एज ए कैंडिडेट अगर आप SAP FICO कंसल्टिंग इस प्रोफाइल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होता क्या है, कंपनी यूज क्यों करती है और इसका बेनिफिट क्या होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली हमारे कोर्स में SAP का जो प्रैक्टिकल हमारा कोर्स है उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक सिंपल तरीके से कि ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होता क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं और ये कहाँ कहाँ आपको यूज करना है ये हम यहाँ पे सिंपल तरीके से समझेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन है सर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होता क्या है और कंपनी इसको यूज क्यों करती है। तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है आपके अकाउंटिंग एंट्री को स्प्लिट करता है और इससे मैनेजमेंट को बेटर रिपोर्टिंग अवेलेबल हो जाता है। एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं आपने परचेस किया तो परचेस की यूजुअली एंट्री क्या होती है सर, परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये एंट्री होती है। अगर आपने कभी SAP पे वर्क किया है, FB60 में आपने एंट्री करी है तो आप मान लेते हैं ये जो परचेस आपने किया ये आपने दो प्रोडक्ट के लिए किया, प्रोडक्ट वन के लिए किया, प्रोडक्ट टू के लिए किया, मतलब इसमें से 60,000 का रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्ट वन में यूज होने वाला है और 40,000 का जो रॉ मटेरियल वो प्रोडक्ट टू में यूज होगा। तो FB60 में आप ये जो परचेज है उसको तो स्प्लिट कर सकते हो, पॉसिबल है, लेकिन व्हाट अबाउट इज वेंडर, वेंडर को आप कैसे स्प्लिट करो, क्योंकि परचेस को मान लेते मैंने प्रॉफिट सेंटर के थ्रू स्प्लिट कर दिया बट वेंडर को मैं कैसे स्प्लिट करूंगा। तो जो वेंडर को भी मुझे अगर स्प्लिट करना हो उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन मैंने परचेस को स्प्लिट किया, मतलब मैनेजमेंट को यह जानना है कि ये जो वेंडर है इसने प्रोडक्ट वन के लिए कितना सप्लाई किया और प्रोडक्ट टू के लिए कितना सप्लाई किया, मतलब अगर मुझे वेंडर को स्प्लिट करना हो तो इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। और ये जो पहला स्प्लिटिंग है इसको बोलते हैं एक्टिव स्प्लिटिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्टिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, मतलब परचेस के प्रोपोर्शन में मैं मेरे वेंडर को भी क्या करना चाहता हूँ, स्प्लिट करना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे टू वेंडर 60 और टू वेंडर 40,000, ठीक है। तो ये हमारा पहला डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग हुआ जिसको हम बोलते हैं एक्टिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, मतलब हमारे एक्सपेंस के बेस पे हमारे वेंडर को अगर स्प्लिट करना हो उसी रेशियो में एज पर द प्रॉफिट सेंटर तो वहां पे हम एक्टिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का जो है यूटिलाइजेशन करते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो आता है उसको बोलते हैं पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। सर पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या होता है, अब हम वेंडर को पेमेंट करेंगे तो वेंडर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी हमारी वेंडर अकाउंट डेबिट, करेक्ट है, 60,000 बराबर, अगेन वेंडर अकाउंट डेबिट क्योंकि हमने वेंडर को स्प्लिट किया 40,000, करेक्ट है, और टू बैंक, टू बैंक। अब यहां पे हमने वेंडर को तो स्प्लिट कर दिया प्रोडक्ट वाइज, बट अगर हमें वेंडर के बेस पे जैसे हमने वेंडर को स्प्लिट किया एज पर द प्रोडक्ट वन एंड प्रोडक्ट टू, करेक्ट है, तो हमें जो हमारा बैंक है उसके पेमेंट को भी स्प्लिट करना है, क्यों सर, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, कि हमें जानना है कि हमने प्रोडक्ट वन के लिए कितना पे किया, हमने प्रोडक्ट टू के लिए कितना पे किया। तो इसको बोलते हैं पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, क्या बोलते हैं इसको, पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। तो एक्टिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग मतलब जो आप जो आपकी बुकिंग एंट्री होती है उसको स्प्लिट अगर आप करो उसमें आप वेंडर को स्प्लिट करो, और अगर आप वेंडर के बेस पे बैंक को स्प्लिट करो तो उसको पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग बोलते हैं। और यहाँ पे तीसरा डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो आपको ध्यान में रखना है उसको बोलते हैं जीरो बैलेंस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। सर ये क्या होता है, अगर आपने SAP पे वर्क किया तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट है कंट्रोलिंग में, उसको बोलते हैं प्रॉफिट सेंटर, ठीक है, करेक्ट है। तो मान लेते हैं आपके पास दो प्रॉफिट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर वन एंड प्रॉफिट सेंटर टू, और आपने क्या किया, आपने प्रॉफिट सेंटर टू से प्रॉफिट सेंटर वन में कोई चीज ट्रांसफर किया। अब यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो जो प्रॉफिट सेंटर वन होगा वो बेसिकली डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसमें सर गुड्स आ रहा है, और प्रॉफिट सेंटर टू जो होगा वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि प्रॉफिट सेंटर कोई लेजर नहीं है, प्रॉफिट सेंटर बेसिकली कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे कि अगर आप प्रॉफिट सेंटर वन डेबिट कर रहे हो तो प्रॉफिट सेंटर वन क्योंकि लेजर नहीं है, ठीक है, करेक्ट है, ये बेसिकली कंट्रोलिंग का कंपोनेंट है। तो यहाँ पे अगर हम डबल बुक कीपिंग अकाउंट देखें तो वहां पे बेसिकली होगा क्या कि हम जितने का प्रॉफिट सेंटर वन डेबिट कर रहे हैं उतने का प्रॉफिट सेंटर वन क्रेडिट भी होना चाहिए, और जितने का प्रॉफिट सेंटर टू क्रेडिट हो रहा है उतने का प्रॉफिट सेंटर टू डेबिट भी होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो बैलेंस का एक लेजर क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, जिसको हम जीरो बैलेंस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो अब हमने सिंपल तरीके से तीनों डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का मतलब समझा, जिससे कि अगर आपको कोई पूछे मान लेते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू तो आप एटलीस्ट एक्सप्लेन कर पाओ कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग बेसिकली काम कैसे करता है। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो डिस्कस करिए। थैंक यू सो मच।